मार्गा खुर्जा उत्तर प्रदेश। सचिन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, बताओ। सर मैंने लास्ट ईयर पंजाब नेशनल बैंक के 500 शेयर लिए थे 35 रुपए 60 पैसे पर, और प्रेजेंट में वो अब ट्रेड कर रहा है 62 रुपए। तो क्या सर मैं उसको एग्जिट करूं कि मेरे को होल्ड करना चाहिए? आपने कितने लिए? 35 रुपए पे? 35 रुपए 60 पैसे पर सर 500 शेयर मैंने लिए लास्ट ईयर। ठीक, समझ गया मैं। अब गुरु तुम्हारा पैसा तो बन गया है। गावा सर क्या निकल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक से? मुझे तो अब भी अच्छा लगता है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन एक मैं स्टॉप जरूर दूंगा क्योंकि हाँ, इनकी बहुत कम है। स्टॉप होना चाहिए 59, और 59 अगर ब्रीच हो जाए ना तो इनको लॉक इन कर देना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली होना चाहिए, फॉलो करना है। ऐसा नहीं, मुझे एक दिन क्या ऊपर जाएगा, निकल जाएगा। फिलहाल अप मोड पे है, और जो मैं पीएसयू बैंक से देख रहा हूँ और बैंकिंग क्षेत्र देखता हूँ, मुझे लगता है इसमें तो अच्छी तेजी बाकी है, तो इसलिए होल्ड है और स्टॉप लॉस लगा के होल्ड है। बस उसको ट्रेल करते रहिए, 5-5 रुपए का स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से आपका मुनाफा रहेगा। ओके, तो होल्ड करिए लेकिन स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस पता है क्या होता है सचिन? जी सर, स्टॉप लॉस मालूम है ना? जी बिल्कुल सर। हाँ, लगा के बैठना और होल्ड और करो। सर जो मतलब एक और सवाल है कि मैंने 135 रुपए पे 100 शेयर ONGC के होल्ड कर रखे हैं और ट्रेड कर रहा है।